बॉबिन जो है वो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रोल कर रहा है जैसा कि क्वेश्चन में क्लियरली है देखो भाई फर्स्ट लाइन में रोल विदाउट ओवर अ अ सरफेस सो दैट द ऑफ ऑफ एंड थ्रेड पॉइंट इज डायरेक्टेड ये जो ए पॉइंट है ना वो ये वाला पॉइंट है और इस गिवन पॉइंट का हमें वेलोसिटी वी गिवन है ठीक है भाई और साथ ही साथ यहाँ पे हमें बताया गया है कि देखो एक बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है ना ये बोर्ड बोर्ड पॉइंट बी पर हिंज है और इस बॉबिन को टच कर रहा है तो आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि जब ये बॉबिन रोटेट करते हुए आगे की तरफ बढ़ेगा तो ये बोर्ड जो है वो हिंज पॉइंट के अबाउट इस तरीके से रोटेट करेगा तो जब ये रोटेट कर रहा है तो वी हैव टू फाइंड द एंगुलर वेलासिटी ऑफ अ बोर्ड एज अ फंक्शन ऑफ अल्फा अल्फा आप देख पा रहे होंगे इस बोर्ड का हॉर्जांटल सरफेस के साथ ये एंगल है तो हमें यहाँ पर इस बोर्ड का ओमेगा फाइंड आउट करना है तो चलिए इसको मैं ओमेगा बी बोल देता हूं ठीक है चलिए अब आते हैं सवाल पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पर इस बॉबिन के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है दैट इज वी सी वो कैसे फाइंड आउट करें अगर मैं आपसे पूछूं कि इस मोमेंट पे बॉटम मोस्ट पोजीशन की स्पीड क्या होगी तो आप कहेंगे जीरो तो मैं ये कह सकता हूं ये बॉटम मोस्ट पॉइंट जो है वो हो गया आपका आईसीओ आर इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन और वो एक्सेस जो इस गिवन पॉइंट से पास करेगी और इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी वो होगा आपका क्या इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन मतलब इस गिवन क्वेश्चन में इस मोमेंट पर मैं ये एज्यूम कर सकता हूं कि पूरा का पूरा बॉडी इस पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा है रोटेट कर रहा है क्लियर और मान लेते हैं कि इसका जो एंगुलर स्पीड है ना भाई वो एंगुलर स्पीड उमेगा है क्लियर ये वाला पॉइंट अगर आप ध्यान से देखें तो इस बॉटम एज से कितनी दूरी पर है इस पॉइंट का ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस है स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर तो इस मोमेंट पर अगर ये फिक्स एक्सेस रोटेशन हम मान रहे हैं तो इस पॉइंट का जो स्पीड है ना वी इस वी को हम क्या लिख सकते हैं आर आर इज अ डिस्टेंस फ्रॉम एक्सेस ऑफ रोटेशन इन टू

और यहां से हमारे पास सेंटर ऑफ मास का स्पीड आ जाता है आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर मल्टीप्लाइड बाय वी तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहां पर इस गिवन सेंटर की वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली है चलिए अब आते हैं इस बोर्ड पर फोकस करते हैं अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बोर्ड का वो पॉइंट जो इस बॉबिन को टच कर रहा होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी तो आपको समझ में आ रहा है उसकी जो वेलोसिटी है वो बोर्ड के परपेंडिकुलर होगी और अगर मैं ये कहूं कि ये डिस्टेंस जो है हिंज हिंज पॉइंट 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 का डिस्टेंस ऑफ ऑफ है है देखना ये है ये बेटा और तुम्हारा अगर ये डिस्टेंस तुम्हारा एल हुआ और तुमने कहा कि इसकी एंगुलर स्पीड इस बोर्ड की एंगुलर स्पीड उमेगा बी है तो यार एक बात तो समझ आ रही है कि बोर्ड के इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी इसको अगर मैं वी वी बोल देता हूं तो मैं यहां पर बोल सकता हूं वो कितनी होगी आर इंटू उमेगा वेयर आर इज वॉट एल इंटू उमेगा बी क्लियर है आपको जैसा कि क्लियरली पता है कि ओमेगा वी फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार पहले हम एल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं एल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहां पर अपन क्या करते हैं एक इस पॉइंट से इस लाइन को ज्वाइन करते हैं ठीक है भाई और ये डिस्टेंस आपको पता है आर और ये डिस्टेंस भी हमें पता ही है ये कितना है आर ठीक अगर आप यहां पर ऑब्जर्व करें इस ट्रायंगल में ये वाला ट्रायंगल तो आप समझ पा रहे होंगे कि यार ये वाला जो एंगल है ना ये भी अल्फा बाई टू हो जाएगा और ये एंगल भी अल्फा बाई टू हो जाएगा क्योंकि बोथ ऑफ द ट्राइंगल्स आर सिमेट्रिकल क्योंकि हम ये जानते हैं कि किसी एक गिवन पॉइंट से अगर किसी एक स्पेयर पर या सर्कल पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होंगी यस और नो और सिमिलरली ये लेंथ और ये लेंथ भी बराबर है और ये भी बराबर है तो हम यहाँ पर यह कह सकते हैं ना यार ये ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कांग्रेन है और अगर ये कांग्रेन है तो डेफिनेटली ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा और अल्फा बाई टू हो जाएगा अच्छा एक बात बताएगा ये नाइनटी तो ध्यान से देखना इस ट्राइंगल में आप एल की वैल्यू बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं आप यहां पे बताइए टेन अल्फा की वैल्यू क्या लिखने वाले हैं नॉट टेन अल्फा मैं यहां पे पूछता हूँ टेन अल्फा बाई टू टेन अल्फा बाई टू इज इक्वल टू पर परपेंडिकुलर लेंथ होगी आर डिवाइडेड बाय द बेस एंड द बेस इज देश मतलब हम यहां से एल की वैल्यू लिख सकते हैं आर डिवाइडेड बाय टेन ऑफ अल्फा बाई टू चलिए भाई यहां पर हमारे पास एल निकल के आ चुका है ओमेगा बी फाइंड आउट करना है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि इस गिवन पॉइंट की अगर मैं बॉबिन पर ये पॉइंट है और इस पॉइंट की अगर मैं आपसे वेलोसिटी पूछता हूं तो आप वेलोसिटी को किस तरीके से कैलकुलेट करते तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर रहे होते देखिएगा ध्यान से अगर इस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी vc है और मैंने ये पॉइंट कंसीडर किया दिस वन तो मैं ये कहूंगा कि ड्यू टू द ट्रांसलेशनल मोशन इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी दैट इज vc और ड्यू टू द फिक्स एक्सिस रोटेशन इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी दैट इज आर ओमेगा मतलब हम यहां पर ये यह कह सकते हैं इस गिवन पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी ना वो इन दोनों वेलोसिटी वेक्टर का रिजल्टेंट होगा आई होप अगर आपने सी में कानामेटिक्स को पढ़ा है तो वहां पे आपने ये सीखा होगा कि हम किसी भी गिवन पॉइंट की वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं तो हमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अगर पता है तो हम इस पॉइंट की वेलोसिटी इन दोनों का रिजल्टेंट कहेंगे और यहाँ पर मुद्दे की बात यह है कि अगर ये बोर्ड और ये बॉबिन एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में है तो अलॉन्ग द कॉमन नॉर्मल दोनों की विलासिटी सेम होनी चाहिए और बोर्ड की वेलोसिटी तो ऑलरेडी भाई कॉमन नॉर्मल के अलोंग देख लो भाई तो जो बोर्ड है इसका वेलोसिटी ऑलरेडी कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग है और आप ये समझ पा रहे होंगे कि यार ये जो आर ओमेगा है ये तो ऑलरेडी बोर्ड के अलॉन्ग है तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बॉबिन की जो वेलोसिटी वेक्टर है उसका वो कंपोनेंट बताओ जो कि इस सरफेस के नॉर्मल होगा तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ इसी का कंट्रीब्यूशन आएगा और अगर इसको एक्सटेंड करें तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि बेटा ये एक्सटेंड करने पर ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल कितना था अल्फा तो ये एंगल भी अल्फा हो गया तुम्हारा तो वी का वो कंपोनेंट जो इस लाइन के अलॉन्ग होगा दॉ वी सी कॉस अल्फा और जैसा कि अभी हमने एक्सप्लेन किया कि यहां पर ये बोर्ड और बॉबिन एक दूसरे के कांटेक्ट में है तो हम यहां वेज कंस्ट्रेन से ये कह सकते हैं कि अलोंग द कॉमन नॉर्मल इन दोनों का वेलोसिटी सेम होगा तो एक बात बताइएगा फटाफट से यहाँ पे जो आपने सॉरी ये सी का वो कंपोनेंट जो लाइन के परपेंडिकुलर है वो कितना होगा वी सी साइन अल्फा और ये बोल सकता हूँ ये बॉबिन की वेलोसिटी के बराबर होगा और वो वेलोसिटी कितनी है ओमेगा बी मल्टीप्लाइड बाई एल क्वेश्चन अब खत्म हो चुका है क्योंकि हम यहाँ पे ऑलरेडी ये वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं वी की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे और एल भी हम ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं तो इन गिवन वैल्यूज को यहाँ पे अभी करते हैं, वी विल गेट द आंसर तो यहाँ पर वी की वैल्यू क्या है आर डिवाइडेड बाय दिस वन इंटू वी इंटू साइन अल्फा इज इक्व टू ओमेगा बी इंटू एल एंड एल इज आर डिवाइडेड बाय ट अल्फा बाई टू तो यहाँ से हमारे पास ओमेगा वी की वैल्यू क्या आएगी आर से आर ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा वी इंटू साइन अल्फा इंटू टेन अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाय आर प्लस आर अगर हम चाहें तो इसको फर्दर आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर मैथ्स में आती है थोड़ी सी तो आप देखिए ये क्या लिखा हुआ है आपके सामने साइन अल्फा तो बेटा साइन अल्फा को तुम तोड़ करके किस तरीके से लिख सकते हो टू साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू और इसी तरीके से टेन अल्फा बाई टू को तोड़ करके क्या लिख सकते हो साइन अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ अल्फा बाई टू तो अगर आप ये वैल्यूज को सब्सिट्यूट करें तो यहाँ पे आपके पास जो फाइनल आंसर आ रहा है मतलब तो वो हम लिखेंगे टू वी साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा बाई टू डिडेड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर मल्टीप्लाइड बाय कॉस अल्फा बाई टू दिस इज द एंगुलर स्पीड ऑफ अ बोर्ड आई होप सो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए हो हमने यहाँ पर काफी सारे मल्टीपल कॉन्सेप्ट को एक साथ यूज किया सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि अलोंग द कॉमन नॉर्मल बॉबिन के इस पॉइंट का जो वेलोसिटी है ना वो वही होगा बोर्ड के जो इस पॉइंट का होगा जो इसको टच कर रहा है और बोर्ड हमें पता है फिक्स एक्सिस रोटेशन कर रहा है तो बोर्ड के उस पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा दैट इज सिंपली डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन दैट इज एल मल्टीप्लाइड बाय दैट एंगुलर स्पीड और हमने इन कॉन्सेप्ट का यूज करके क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया है आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा तो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि क्रूटो के जो मैं सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये सॉल्यूशन्स आपको किस तरीके के लग रहे हैं अपना फीडबैक एक बार जरूर दीजिएगा क्योंकि आपके जो फीडबैक्स हैं वो हमारी हेल्प करेंगे अपने क्रूटो के सॉल्यूशन्स को और ज़्यादा डिटेल्ड और बेटर वे में बनाने के थैंक यू सो मच